सो गाइस, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल आया हूँ अपनी मम्मी के साथ, जो कि यहाँ पे। सो डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन के लिए ही बोला है मेरे को। मैं जो भी रिपोर्ट होगी वैसे ही अपडेट कर दूंगा आप लोगों के साथ। टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भाग दौड़ करनी पड़ती है। साथ में मम्मी भी बहुत भाग दौड़ कर रही थी, परेशान सा हो गया। मन कर रहा है इसको ना काट के फेंक दूँ, ऐसा दर्द सा हो रहा है। ठीक है, आप ही ऑपरेशन के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी आ गए, बहुत आपको बहुत मतलब लेट आना चाहिए था। तो इस तरह से उन्होंने मुझे डांटा, तो मैं समझ गया था क्योंकि बहुत लेट हो गया। 11 डेज आफ्टर मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उन्होंने बोला वहीं से इलाज करा लेते, यहाँ पे क्यों आए। तो सुना मैंने बहुत कुछ, पर फिर भी मेरा अभी ट्रीटमेंट हो गया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, ब्लड सैंपल्स भी दे दिया मैंने अपना, और उसके साथ साथ एक्सरे भी मेरा हो गया है। अब 1 घंटे बाद एक्सरे आएगा, और आज डेट है 3 जुलाई। आज मम्मी 3 जुलाई है ना, 3 है, आज 3 जुलाई है। सो अभी सफदरजंग के अंदर इमरजेंसी रूम में हूँ मैं, तो वही है हालत, तो अभी वैसे ही है। बस अभी सारा चीज़ें मैं आपको जो भी है रिपोर्ट सारी मैं आपको अपने वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप इन्जॉय करना। आगे की भी अपडेट देता रहूँगा, ये वीडियो कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं आपको कंटिन्यू वीडियो में। आगे क्या होता है आप सब देख लेना मेरे साथ, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ट्रीटमेंट कैसा होगा, वो सब चीज़ें मैं बता दूँगा आपको टाइम के साथ। सो गाइस, जैसा कि अभी मैं आ गया हूँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, आप देख सकते हैं। तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया है हाथ के लिए, अभी इसमें शायद वायर लगेगा, अब देखते हैं। सो अब उन्होंने बोल दिया वायर लगने के लिए, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आ चुका हूँ। ठीक है, साथ में मम्मी भी है, तो अब देखते हैं क्या होता है। वायर डलेगा, पहले ही बोल रखा था, तो अब वायर ही डलेगा इस पर। और अभी आगे देखते हैं, डॉक्टर आके चेक करेंगे क्या करना है, कैसे करेंगे, कैसे वायर लगाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑपरेशन के बाद दूंगा। गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप कंटिन्यू वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि वीडियो में अभी मैंने बोला था कंटिन्यू करने के लिए, पर यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है इन लोगों को मतलब आने के लिए, और डॉक्टर ही नहीं आ रहे हैं अभी, तो बहुत टाइम लग रहा है। देखते हैं अब आके जाके क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। टाइम भी हो रखा है, टाइम भी 7:30 होने वाला है गाइस। सो मैं बड़ा परेशान हो गया यार, बहुत भागा हूँ, सुबह से आए हुए हैं हम, और अब रात होने वाली लगता है। क्या पता कल सुबह जो है 4th जुलाई, आज 3rd जुलाई है, 4th जुलाई तक हो। वायर डलेगा बोल के, अब ऑपरेशन होना है बोल के, अब देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सफदरजंग, अब तो ऐसे ही चलेगा काम यार। क्या होता है कि देखो, जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, तो प्राइवेट में मैंने दिखाया था, तो वहाँ पे भी उसने वायर ही बोला था, 2-3 जगह में वायर बोला, तो मुझे उस टाइम करा लेना चाहिए था। बट अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने बोला कि अच्छा इलाज होने के लिए सफदरजंग ही अच्छा है, तो मैं सफदरजंग आ गया। तो देखा तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, कोई नहीं, ज़िंदगी ने सिखा तो दिया, स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, अपनी जान के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए भी। कोई नहीं, मैं अभी स्ट्रगल क्या, अब लेटा पड़ा हूँ। तो ये ऑपरेशन थिएटर है, आप देख सकते हो गाइस, ये वेंटिलेटर है जिस पे मैं अभी लेटा हूँ, ये देखो गाइस, वहाँ पे बहुत से पेशेंट भी है, ये देखो। तो अलग अलग जगह पे पेशेंट हैं यहाँ, तो एक और सीन बताना था कि जो मेरे चाचा थे, चाचा को भी मतलब जहाँ पे मैं अभी हूँ यहाँ पे भी लेके आए थे, इसके बाद फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया था। गेट देख रहे हो गाइस, तो ये गेट है ना, गेट के आगे वाले ऑपरेशन थिएटर है उधर की साइड भी, वहाँ पे उनको एडमिट किया था, तो वही आखिरी सांस वहीं पे ली थी उन्होंने। और अब मेरा कैसे होगा ऑपरेशन, कब होगा यार,
बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। कंटिन्यू करूँगा वीडियो, बताता हूँ आपको जैसे ऑपरेशन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ निपटाने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस, कैसे जर्नी रही है, क्या हुआ क्या नहीं, सारी रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा। थैंक यू गाइस। सो गाइस, जैसे कि अभी 9:25 हो गए हैं, ठीक है, और अभी डॉक्टर ने बोला था कि अपना जो भी टेस्ट वेस्ट है, ब्लड टेस्ट का हो गया और जो भी सिम्टम्स है मेरी बॉडी में, ठीक है, उसका टेस्ट हो गया और उसके बाद HIV टेस्ट हो गया, तो आप उसकी रिपोर्ट लेके आ जाना, उसके बाद ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाना। तो उसके हिसाब से मैं लेके आ गया हूँ रिपोर्ट सारे HIV का, वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, तो साइड में दे दूँगा, आप देख लेना। और अभी लगभग 12-1 बज सकते हैं मेरे को डिस्चार्ज होने में, अभी ऑपरेशन भी नहीं हुआ, अभी बहुत सारे यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनके भी करने हैं, तो शायद अब मेरी भी बारी इतनी लेट आए, कोई नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ और जो भी कुछ होता है तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो बने रहना चैनल पर और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। और बस मैं इतनी चाहता हूँ कि भाई जल्दी से रिकवरी हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला है कि थ्री टू फोर मंथ्स रिकवरी पे लगेगा, बट मैं काम कर सकता हूँ आफ्टर 1.5 मंथ्स। सो 1.5 मंथ्स के बाद देन आई विल गो टू माय ऑफिस, और या फिर मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है वो। तो प्रेफर मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस ही चले जाओ, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो फिर अभी एक वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और अभी मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, और बैटरी भी नहीं है 15% ऑनली। सो आफ्टर सर्जरी मैं आपको जो भी डिटेल्स है मैं बता देता हूँ, बने रहना इस वीडियो पे। सो गाइस, अभी टाइम कितना हो रहा है मम्मी, 5:45 के अराउंड हो रहा है, और ऑपरेशन भी हो गया है मेरा, तो मैं अभी बैक कैमरा से दिखा देता हूँ गाइस, एक सेकेंड। सो गाइस, ये मेरा ऑपरेशन हुआ था, आप देख सकते हो ये वायर डली है यार, इस हिसाब से डली है ना भाई, अनबेरेबल वाला पेन हो रहा है कि पूरे इयर्स में, 27 इयर्स में मेरे कभी पेन नहीं हुआ यार। अंदर कुछ भी कपड़ा वपड़ा सारे चीज़ें हटा देते हैं ये लोग। और अभी मम्मी साथ में, मम्मी तो सो गई थी, उसके बाद मैं जब आया तब मम्मी उठी थी, और इसके बाद अभी नीचे जाऊंगा और नीचे फिर प्लास्टर होगा, तो आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो 1.5 घंटे में मेरा कंप्लीट हो गया था, दिखा दूँ। सो अभी साथ में भी नीचे जाएंगे, उसके बाद ही नीचे होगा, तो हाथ देख सकते हो गाइस, ये इस हिसाब से लगा हुआ है, अनबेरेबल वाला पेन हुआ था भाई, ऐसा पेन अंदर, मैं वीडियो तो बना सकता था बट क्या करूँ, नहीं जा सकता था, मम्मी भी अलाउड नहीं थी। तो अभी नीचे जाऊँगा, अभी पहले फाइल वाइल आएगी मेरी, उसके बाद फिर नीचे जाके प्लास्टर लगेगा, तो 4 वीक्स के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो देखता हूँ अभी कैसा हाल होगा क्या होगा। तो हाल तो बहुत बुरा है यार, अनबेरेबल वाला पेन हो रहा है, ऐसा पेन मैंने कभी देखा भी नहीं, और इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतना पेन होगा। ड्रिल मशीन से ये चीज़ें इसने, जो डॉक्टर थे उन्होंने इसको इंसर्ट किया अंदर की साइड पे, दोनों साइड से 3-4 बार इंसर्ट हुआ, तब जाके ये सेट हुआ है। तो इस तरह से सेट हुआ था, वो हाथ से इसे तोड़े थे, मैंने बोला कि आप प्लास ले लो, प्लास से तोड़ दो, तो उन्होंने बोला इंटेलिजेंट माइंड लगाया, उसी से फिर प्लास से तोड़ा है गाइस। तो अभी मिलते हैं आपको अगले कंटिन्यू वीडियो में, ठीक है, जो भी होगा एंड मैं आपको बता दूंगा, अपलोड हो जाएगी वीडियो पूरी, देख लेना गाइस किस हिसाब से मेरी एक्सीडेंट की जर्नी स्टार्ट हुई और अभी चली रही है कंटिन्यू। थैंक यू गाइस। फाइनली मैं घर आ गया, और पूरे जर्नी की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, लिटरली ऐसा हो गया था रोने जैसा मुँह, मेरी माँ का भी ऐसी मुँह हो गया था, देखो ये देखो, देखा मम्मी का मुंह कैसा हो रखा है, पूरा का पूरा यार, पूरा ऐसा हो गया डिस्ट्रॉय कि मैं भाई चले ही जाऊं, ये हाथ वात कुछ ना करवा के चले ही जाऊं मैं। और उसके बाद वहाँ पे उसने ऐसे रील मशीन से किया, रील मशीन से जैसे वो वायर होती है ना कूलर का, जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर घास लगाते हैं, घास के ऊपर फिर हम एक तार सा लगाते हैं ना स्क्वायर में, जैसे 0 और
कट्टस जीरो कट्टस खेलते हैं वो, ठीक है, तो उस टाइप का जो घास होता है उसमें जो वायर लगी रहती है ना, उस टाइप की वायर उसने यहाँ पे डाली है। ये देखो आपको थोड़ा सा उठा उठा दिखेगा यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़, तो दो वायर डली है गाइस। तो उन्होंने बोला है कि 4 हफ्ते लगेंगे और मेरे को सैटरडे को बुलाया है, ठीक है, अगर सैटरडे नहीं संडे मैं मंडे को जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेडिसिन भी ले ली है मैंने और सब कुछ अच्छा हो गया। बस मुझे इतना बुरा लगा है कि भाई पूरे दिन हमने वहीं बिताया, रात पूरी बिताई, फिर भी साला वो डॉक्टर नहीं आया है। इलाज होता है पर भाई बहुत भाग दौड़ बहुत, तब तक साला इंसान मर भी जाए ना तब भी डॉक्टर नहीं मिलते, एंड टू एंड पे मिल जाता है। और अभी यही जर्नी है मेरी यहाँ तक कि ये प्लास्टर हो गया है मेरा, ठीक है, और ऊपर से ऑपरेशन भी हो गया है गाइस। तो अभी कॉशंस लेने पड़ेंगे और मेडिसिंस भी लेनी पड़ेगी। तो यही थी मेरी जर्नी, तो बताते रहूँगा आगे वीडियो में, जो अगली वीडियो मेरी आएगी तो बताऊँगा कैसा रहा मेरा हाल, कैसा चल रहा है मेरी रिकवरी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।